Hello, Achu. Let's understand the question first. The question says, a man wants to photograph a white donkey as a zebra after fitting a glass with a black streaks onto the lens of his camera. So the image will look like a white donkey on the photograph. The image will look like a zebra on photograph. The image will be more intense compared to the case in which no glass such glass is used. The image will be less intense compared to the case in which no such glass is used. तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, अगर मान लो कोई भी लेंस है हमारे पास में, इस लेंस के कुछ पार्ट को अगर कवर कर दिया जाए, अगर हम इस लेंस के कुछ पार्ट को अगर कवर कर भी देते हैं ना, तो इससे इसकी फोकल लेंथ पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा पहली बात तो। तो यहां से देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगी, ऐसा ना, यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, अभी भी बनेगी, ठीक है ना। इसका मतलब इमेज विल बी फॉर्म्ड, तो इमेज विल बी सेम, तो सेम इमेज फॉर्म हो रही है पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब चूंकि हम लोगों ने यहां पर इसके कुछ पार्ट को कवर किया है तो मतलब जो लाइट रे आ रही होंगी उनमें से कुछ पार्ट रुक जाएगा, इसका मतलब यहां पर इंटेंसिटी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है ना। अब देख लो ऑप्शन, द व्हाइट इमेज विल लुक लाइक अ व्हाइट डोंकी ऑन द फोटोग्राफ, बिल्कुल सही है कि वो जैसी इमेज बन रही थी वैसी बनेगी, ऐसा नहीं जेब्रा बन जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। डी ऑप्शन दे रखा है आपने, द इमेज विल बी लेस इंटेंस कंपेयर टू द केस इन विच नो सच ग्लासेस यूज्ड, ना तो इंटेंसिटी कम हो गई, तो ऑप्शन डी हो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।